हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सर्कल। उसके अंदर प्रॉब्लम्स है 29। प्रॉब्लम सेट 29 आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 सर्कल का, प्रॉब्लम सेट नंबर 29। ठीक है, अब इसमें अपने को सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट विल इट्स डायामीटर बी। ठीक है, देखो ये सब सॉल्व करने से पहले आपको सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें पते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे ये सर्कल हो गया अपना, इसके अंदर ये क्या हो गया अपना, सेंटर हो गया। इसे क्या बोलते हैं हम, जो सर्कल को जो सेंटर से चालू होकर सर्कल पे टच होती है, इसे हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो इसे हम रेडियस बोलते हैं। और अगर समझ लो हम इसी रेडियस को और लेफ्ट साइड से भी इसी रेडियस को एक्सटेंड कर दें, मतलब ड्रॉ कर दें और एक रेडियस, तो ये अगर ये डबल रेडियस हो गया तो क्या बन गया, ये पूरे को आप क्या बोलोगे, डायामीटर बोल लोगे। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ये सर्कल में अगर ये आधा बनेगी तो ये रेडियस बोलोगे, अगर ये रेडियस को आप पूरा एक्सटेंड कर दोगे तो ये बन जाएगी डायामीटर। तो अगर समझो अपने सर्कल में रेडियस होगा 5, तो डायामीटर कितना हो जाएगा। और देखो और एक बात, अगर किसी सर्कल का रेडियस 5 होगा तो सर्कल में जितने भी रेडियस होंगे वो भी कितने कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो देखो ये रेडियस 5 हो जाएगा और ये भी रेडियस कितना हो जाएगा, 5। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। और रेडियस क्या होता है अपना, जो अपना डायामीटर होता है वो क्या होता है, डबल द रेडियस। ठीक है, इसे क्या मालूम पड़ेगा अपने को, जो कि अपना डायामीटर होता है वो डबल द रेडियस होता है। ठीक है, तो अपने को क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, कि अपने को रेडियस दिया गया है, तो अब इस रेडियस से आप डायामीटर निकाल के दिखाइए। तो अपना आंसर इसमें कैसे आ जाएगा, आप लिख सकते हो यहाँ पर कि डायामीटर इज इक्वल टू डबल, मतलब डबल कर दो रेडियस का, मतलब डबल का मतलब 2 इंटू जो भी अपना रेडियस हो, जो भी अपना रेडियस हो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायामीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर अपना डायामीटर क्या है, सॉरी अपना रेडियस क्या है, 2, तो एज इट इज आ जाएगा, अरे मल्टीप्लाई साइन भी एज इट इज आ जाएगा, लेकिन अपना रेडियस कितना था, 5 सेंटीमीटर, तो आप इधर लिख दो 5 × 2 = 10, तो अपना डायामीटर कितना आ गया, अब अपना डायमीटर आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को यही निकालने बोला गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को यही बोला गया था कि आपको हमने सर्कल का रेडियस दिया गया है, अब हमको डायमीटर ढूंढ के बताया, तो अपना फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, कि डायमीटर जो होता है वो डबल द रेडियस होता है, तो अपन ने 2 जो है तो उसको एज इट इज लिख दिया, इंटू भी एज इट इज लिख दिया, रेडियस कितना था अपना, 5 था, तो अब क्या आ जाएगा, 2 × 5 बन जाएगा अपना 10, अपना डायमीटर कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अब इसी में अपने को क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या पूछा गया है, इफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल इट्स रेडियस बी। ठीक है, अब देखो इसमें उल्टा पूछा गया है, अपने को इसमें डायमीटर पूछा गया है, तो डायमीटर बताया गया है और डायमीटर को अपने को रेडियस ढूंढने को लगा है डायमीटर के, तो अपना यही सेम अपन अपने डायग्राम पे आते हैं, तो समझ लो अगर अपना डायमीटर टोटल होगा 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 का आधा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस होता है ना, मतलब डायमीटर होता है आधा रेडियस के। ठीक है, नहीं सॉरी, रेडियस क्या होता है, डायमीटर के आधा होता है। ठीक है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर के आधा होता है, तो इससे क्या फॉर्मूला बना सकते हो आप, कि इसका आंसर कैसे लिख सकते हो, कि जो रेडियस होगा वो क्या होगा, डायमीटर का आधा, मतलब क्या लिख सकते हो, डायमीटर का आधा, तो आप क्या कर सकते हो, डायमीटर डिवाइड बाय 2 कर देना, जो भी डायमीटर है उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको अपना रेडियस मिल जाएगा। तो इसमें अपना डायमीटर कितना था, 6 था, और अपना ये तो फॉर्मूला का 2 है अपने, तो 6 / 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको कैसे करोगे आप,
सिक्स, यहाँ पर टू, टू के टेबल में सिक्स आता है, आता है कितने था, थ्री था, ये माइनस को जीरो, देखो रिमाइंडर जीरो आ गया अपना, तो ये अपना क्वेश्चन क्या आया अपना, थ्री आया, तो कितना हो गया थ्री, तो इसमें रेडियस क्या आ गया अपना थ्री, ठीक है ठीक है, ये अपने रेडियस भी ढूंढ लिया। तो अपने इसमें दो फॉर्मूले बने इसमें अपना, अगर अपने को रेडियस दिया गया रहेगा और डायमीटर ढूंढने का, तो अपना क्या फॉर्मूला बनेगा, डायमीटर इज डबल द रेडियस, ठीक है, तो आप इसमें अपने फॉर्मूले में डाल के अपना डायमीटर निकाल सकते हैं। अगर वही अपने को डायमीटर दिया रहेगा और रेडियस पूछा गया रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर को, जो भी डायमीटर होगा अपने क्वेश्चन का उसको किससे डिवाइड कर दो, टू से डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, सिक्स डिवाइड बाई टू, तो अपना आंसर आ जाएगा थ्री, ठीक है, ये अपना आ जाएगा आंसर थ्री। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री अपने को पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिल इन द बॉक्सेस, ठीक है, अपने को एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर अपने को बॉक्स को फिल करने का है, तो अपने को क्या क्या पूछा गया है इसके अंदर, अपने को इसके अंदर पूछा गया है, रुको एक मिनट में टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम फटाक से, ये हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। इसमें देखो पहला अपना क्या रो दिया गया है, पहले रो में रेडियस दिया गया है, और दूसरे वाले रो में अपने को दिया गया है डायमीटर, तो अपने को देखो इसमें ये वैल्यू दी गई है, ये वाले में अपने को नीचे की वैल्यू दी गई है, ये वाले में हमें ऊपर की वैल्यू दी गई है, और ये वाले में भी हमें नीचे की वैल्यू दी गई है, और ये अपना क्वेश्चन मार्क्स है, मतलब अपने को इधर क्या आंसर आएगा वो लिखने बोला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है अपने को, देखो ऊपर क्या है रेडियस है और एक नीचे डायमीटर, मैं आपको बताया था कि जो रेडियस होता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस के डबल होता है, तो देखो यहाँ पर रेडियस कितना है अपना, फोर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डबल, मतलब फोर को डबल कर दो, तो फोर मतलब टू, टू से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर है उसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फोर इंटू टू ये आ जाएगा एट सेंटीमीटर, ठीक है, तो देखो फोर का डबल क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, तो अपना रेडियस फोर होगा तो उसका डायमीटर एट हो जाएगा। अब इसमें देखो डायमीटर दिया गया है अपने को, लेकिन रेडियस पूछा गया है, डायमीटर दिया गया है अपने को, रेडियस बताने का है, तो देखो 16 का आधा क्या हो जाएगा, इसको क्या करते हैं अपन डिवाइड बाय टू करते हैं, तो 16 को डिवाइड बाय टू करो, 16 को अगर टू से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा एट, तो इधर क्या आंसर आ जाएगा अपने को, एट सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें देखो अपने को क्या दिया गया है, रेडियस दिया है, तो रेडियस क्या होता है डायमीटर के डबल होता है, तो डायमीटर क्या होगा, डबल द रेडियस, तो इधर क्या है, 9 × 18, तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो ये क्या है, डायमीटर दिया, तो रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर, तो ये हो जाएगा 22 का आधा क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ये बहुत आसान था, इसमें खाली अपने को अगर अपने को रेडियस दिया तो उसको डबल कर दो, और डायमीटर दिया तो उसको डिवाइड बाय टू कर दो, तो अपने को ये भी आंसर एकदम अच्छे से आ जाएगा। बस इसमें ये प्रॉब्लम सेट नंबर 29 में बस इतना ही था, ठीक है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे अपने को, थ्री दिए थे अपने को, इसमें टोटल थ्री क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है ठीक है, इसमें अपने को थ्री क्वेश्चन दिए गए थे, जो चैप्टर नंबर 7 सर्कल का प्रॉब्लम सेट 29 में टोटल कितने क्वेश्चन थे, थ्री क्वेश्चन थे, पहला दूसरा और ये तीसरा। पहले वाले में अपने को खाली ये पूछा गया था कि आप को मैं रेडियस दिया गया है, आप डायमीटर बताइए, तो अपन ने ये फॉर्मूला फ्रेम किया कि डायमीटर क्या होता है, डबल द रेडियस हो जाता है, तो डबल द रेडियस मतलब टू मल्टीप्लाई बाय जो भी अपने को रेडियस गिवन है, तो इसमें अपने को क्या रेडियस गिवन था, 5 रेडियस गिवन था, तो अपन क्या कर देंगे, डायमीटर तो एज इट इज आ जाएगा, टू भी एज इट इज आ जाएगा, रेडियस कितना था अपने को 5 दिया था, तो 5 को हम क्या कर सकते हैं, लिख दिए रेडियस के बदले, अब 2 × 5 = 10 हो जाएगा, तो इसमें अपने को आंसर आ गया कि डायमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वही क्वेश्चन नंबर टू में अपने को डायमीटर दिया गया है और अपने को रेडियस पूछ रहा गया है, डायमीटर की वैल्यू देके रेडियस, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर के हाफ होता है, मतलब डिवाइड बाय टू कर दो उसे आप, डायमीटर अपने को 6 है, 6 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आ जाएगा अपना, 3 आंसर आ गया।
और ये अपना लास्ट का क्वेश्चन जिसमें अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए थे, जिसमें रेडियस और डायमीटर दिया गया था। अगर रेडियस दिया है डायमीटर ढूंढना है तो उसको डबल करो, और डायमीटर दिया गया रेडियस पूछा गया तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो बस। यही था प्रॉब्लम सेट नंबर 29। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।